नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दो कादम। और चलिए कोटा का रुख करेंगे। कोटा एसीबी की सवाई माधोपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है। शिक्षा विभाग सवाई माधोपुर का एओ ट्रैप हुआ है। आपको बता दें कि एओ प्रवीण सक्सेना 50,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। कोटा निवासी परिवादी शंभू दत्त की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है और जांच कमेटी की जांच में एक मामले में आरोप सिद्ध करने के एवज में 75,000 रुपए की घूस मांगी गई थी और सत्यापन के बाद आज 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया है। डीएसपी धर्मवीर चौधरी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो बड़ी कार्रवाई एसीबी की तरफ से कोटा में, जो कोटा एसीबी की टीम है, कोटा एसीबी की टीम ने सवाई माधोपुर में यह बड़ी कार्रवाई की है। और यहां पर कार्रवाई के तहत शिक्षा विभाग के सवाई माधोपुर का एओ जो है वो ट्रैप हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी केके शर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। केके, एसीबी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ निकलकर इस कार्रवाई में अब तक सामने आया है? देखिए, आपने ठीक कहा कि कोटा एसीबी की बड़ी कार्रवाई है, धमाकेदार कार्रवाई है, क्योंकि सवाई माधोपुर के अंदर जिला शिक्षा विभाग के अंदर ये कार्रवाई की गई है। वहाँ पर डबल एओ जो है प्रवीण सक्सेना, उनको अरेस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रवादी ने शंभू दत्त जो यहाँ कोटा का निवासी है, उसने शिकायत दी थी कोटा एसीबी को और बताया था कि एक आरोपी के खिलाफ में उसने मुकदमा दर्ज करवाया था। जो उस मुकदमा दर्ज के दौरान जो आरोपी था वो जेल भी गया था, लेकिन उसने इन तथ्यों को छुपा करके शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल कर ली। और इस शिकायत को लेकर के जब प्रवीण सक्सेना जो जिम्मेदार अधिकारी था उसको ये करवा दिया गया, तो उन्होंने जांच कमेटी नियुक्त की। उस जांच कमेटी के अंदर आरोपी के खिलाफ जुर्म प्रमाणित करने की एवज में 75,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और इसी दौरान 50,000 रुपए की घूस लेते हुए कोटा एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। 75,000 रुपए की यहाँ पर घूस मांगी गई थी, लेकिन सौदा जो था वो 50,000 रुपए में तय हुआ। और इसी दौरान कोटा एसीबी की जब टीम को इशारा मिला तो उन्होंने प्रवीण सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल कोटा एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है, डबल एओ के पोस्ट पे था और माधोपुर के अंदर तैनात था। ठीक है, तो फिलहाल एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है घूसखोर से और क्या कुछ निकल कर सामने आता है उसको लेकर भी जानकारी साझा करेंगे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।